कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 6 महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश से बाहर कर दे। दैट मिस्टर गांधी नो डिमांड एंड नो कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं भी प्रधानमंत्री जी को सम्मान करता हूं, जरूर सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये देश की प्रधानमंत्री बने हैं, एक बार नहीं दो दफे, तो इसमें तो सम्मान करना ही चाहिए। कहां कहां माँ गंगा और कहां गंदी नाली, ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। हम शुरुआती तौर पे कहा मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन यू शुड नॉट कंपेयर बिटवीन मॉन्क एंड मॉन्स्टर। नो, ये अवमानना है। बात सुनिए। अच्छा, मोदी जी की 5 साल अभी आ गया, 1 साल 6 साल, तो 2G में कोयला घोटाले में किसी को पकड़ के रखा, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को जेल की सड़कों के पीछे रख पाए आप लोग? रखो ना। हम चाहते हैं ये कानून को चूस दुरुस्त करके जो लोगों को चोर बना के आप लोग सत्ता में आए हैं, वो लोग हाउस में क्यों बैठे, क्यों जेल की सड़कों के पीछे नहीं है, क्यों राहुल जी बाहर आए, क्यों मैडम सोनिया गांधी बाहर आए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बोलो बोलो। अरे वो हिम्मत हमारे है, वो हिम्मत हमारे, यहाँ प्रधानमंत्री जी है, यहाँ गृहमंत्री, भेजो ना जेल में। देखो रामकृपाल जी, इस बार प्रचार में आप लोग कभी यही नहीं कहा कि 2G घोटाला और कोयला घोटाला, वो बाजार में अभी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा, इस बार नया प्रोडक्ट लाए हैं आप लोग, क्योंकि आप बड़ा सेल्समैन है, मानता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत बड़ा सेल्समैन है और होना भी चाहिए। मैं उनको सराहना करता हूं कि हमारा प्रोडक्ट सेल्स करने में नाकामयाब हुआ, इसलिए हारा। आपने अपना प्रोडक्ट को सेल्स करने में कामयाब हुई, इसलिए जीता, तो हो गया सर। हाँ बोलेंगे सर, हमारा गृहमंत्री जी सदन में आए, रेजोल्यूशन लगाए और दौड़ के भाग गए। सारे हिंदुस्तान की खोज जिनके पास आए और दौड़ने लगे, भाग गए। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर शून्य काल में नहीं होता सर, रेजोल्यूशन रूल 173 शून्य काल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान में सर क्या हो रहा है, सारे जम्मू कश्मीर में कैद खाना खुला गया, सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार हरण किया गया, सारे जम्मू कश्मीर में मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, लगता है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ा गया। इस हालत में ये सदन में जबरदस्ती ये रेजोल्यूशन लाया गया, जिस रेजोल्यूशन को लाने का हक नहीं है, ये कहा जा रहा है कि सर दिस हाउस रिजर्व टू एक्सप्रेस द व्यू टू एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। व्हाट इज द बिल? बिल नहीं, मतलब ये आम का पेड़ है और आप नीचे बैठे हैं और नीचे बैठ के आम गिनती कर रहे हैं, जब आम की पेड़ में न फूल आए न फल आए। इस तरीके की अगर झलिया उड़ा जाए सदन के अंदर तो हिंदुस्तान कहा जाएगी। तो इसलिए सर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, मशीन लर्निंग नहीं है, अभी यहाँ यह रेजोल्यूशन दिया गया और कहता है बोलने लगो, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, मशीन लर्निंग नहीं है सर। ये राइट पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उठाना चाहते हैं सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेजोल्यूशन 173 सर, इन ऑर्डर दैट रेजोल्यूशन मे बी एडमिसेबल, इट शैल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली इट शैल बी क्लियरली एंड प्रिसाइजली एक्सप्रेस सर। ये कोई बिल नहीं है और बिल सर, प्लीज एक्सक्यूज मी दैट बिफोर आई बिगिन आंसरिंग दिस क्वेश्चन ऑफ डियर श्री राहुल गांधी जी,
I want to condemn in no uncertain words the outlandish language that he has used against the Prime Minister of the country. In a recent speech, he used words like, छह महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश से बाहर कर दे। I am surprised that Mr. Gandhi's own father was Prime Minister of India, and I don't think that in the worst of cases our party leaders made such outlandish personal remarks against him, ever threatening that the country's youth will beat him with dandas and throw him out of the country. The entire house present here must in unequivocal terms condemn his language against the honorable Prime Minister. No. I demand an... No. Against the honorable Prime Minister. की कार्रवाई एक बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की कार्रवाई एक बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सदन के सामने आपका बायोडाटा पेश कर दिए हैं, तो उनसे और नया कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं है। फिर भी कोटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा है, कोटा की कचरू भी बहुत मशहूर होते हैं, तो आप इस हाउस को जैसे खिचड़ी ना बने इसलिए कचूरी की तरह स्वादिष्ट कुछ हमें आप उपहार देंगे हर वक्त, ये आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है हमारा। आप एक सोशल वर्कर तो है ही, प्रधानमंत्री जी कह चुका है, इसके अलावा आप एक एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसानों की हालात बड़ी बुरी होते जा रहे हैं, हर रोज 36 किसान की खुदकुशी हो रहे हैं, तो इससे बचाने के लिए आप जरूर अपना पहल करेंगे। माननीय सदस्य, जब आपके दल के नेता बोल रहे हैं तो शादाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हिंदुस्तान की आम नागरिक की तरफ से और हम सब की तरफ से ये पद पे आसीन होने के लिए आपको हम सब अभिनंदन व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हिंदुस्तान की जनता, 90 करोड़ हमारे वोटर थे, आप अचरज होंगे, सारे यूरोप और अफ्रीका महादेश मिला के जितने आबादी होते हैं उससे ज्यादा वोटर हिंदुस्तान में रहते हैं, और उसमें 67% चुनाव में भाग लिया, लगभग 60 करोड़। और इससे और एक अचरज की बात यह कि मालेगांव जैसे अरुणाचल प्रदेश की अंजो डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जहां एक ही वोटर है, वो वोटर के लिए उनके वोट कलेक्शन करने के लिए 6 ऑफिशियल्स 2 दिन हिल में ट्रेकिंग करके और 6 किलोमीटर रास्ते पार होके उनको भी वोट दिलवाया। तो हमारा इस तरह की लोकतंत्र की गरिमा हमें बचाना रखना चाहिए। आपकी माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा दिलाता हूं कि हमारे पार्टी की नियत बड़ा साफ है, हम डिबेट डिसेंट और डिसीजन में यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन हमें हमारा जो मौका, ये मौका हमें मिलना चाहिए और पार्लियामेंट की कई तरीके से इसके गरिमा रक्षा करना आपका जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यू आर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस हाउस, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। नॉट ओनली दैट, अकॉर्डिंग टू नेहरू यू रिप्रेजेंट द हाउस, रिप्रेजेंट द फ्रीडम, रिप्रेजेंट द नेशन। So the dignity of the chair is well meant by you also, sir. एक चीज आपको ध्यान में मैं लाना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो विधेयक यहां पारित होते थे, ये विधेयक को स्क्रूटिनाइज करने के लिए स्टैंडिंग कमिटी में ज्यादा विधेयक को नहीं भेजा जाता था, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये भी हाउस के गरिमा होते हैं। दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा ऑर्डिनेंस की रास्ता अपनाना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि शायद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक स्कूटिनी होना चाहिए,
एक थेट भी डिस्कशन होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए। सर मैं कांग्रेस पार्टी की जब प्राइमरी मेंबरशिप लेने गया तो हमारा प्राइमरी मेंबरशिप की जो शपथ पत्र थी उसमें लिखा गया था ये कोई अगर कांग्रेस मेंबर अगर होने चाहते हैं तो उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए शपथ लेना पड़ेगा। तो जिस दिन से हम लोग कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की है प्राइमरी मेंबरशिप के जरिए, उसी दिन से हम ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चुस्त दुरुस्त करने के लिए शपथ ले चुके हैं और इसी शपथ के साथ ही अगले दिन हम पार्लियामेंट को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए हमारी तरफ से जितना हद तक जाना चाहिए हम जाने के लिए कभी हम इसको हम नकारेंगे नहीं, हम हिचकिचाई कर नहीं करेंगे। सिर्फ मैं ही प्रधानमंत्री जी को और आप सबको एक छोटे से विषय पर मैं आपको सबको ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी बाहर कहते हैं कि अभी पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, सिर्फ निष्पक्ष होगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हिंदुस्तान की ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो पक्ष विपक्ष के साथ बहुपक्ष भी रहेंगे, सिर्फ आपको निष्पक्ष रहना होगा। सर आप इसे निष्पक्ष हो ना सकते क्योंकि ये चेयर इंपार्शियल चेयर होते हैं। ये जब शपथ लेने शुरू हो गए थे तो कहीं जय श्री राम, कहीं अल्लाह अकबर, कहीं जय कली, ये तरीके से जो नजारा पेश हुआ था ये सही नहीं था। ये मैं अब व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, लेकिन ये मर्यादा की सवाल है इस हाउस की। सर वही राम जो दशरथ की बेटा, वही राम जो घर घर में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे निहारा। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सर हमें इस तरीके की समाज बनाना चाहिए। जब एक छोटे से बात कहते हो, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पुजारी को मंदिर में रहमान नजर आए, दुनिया की सूरत बदल जाएगी जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। सर अंतिम में सर मैं आपके लिए कुछ मांगता हूं, आपके लिए कुछ मांगता हूं, प्राइम मिनिस्टर भी मांगा था, मैं भी मांगता हूं, खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, सदा खुशियों से भरे हो तेरे रास्ते, हंसी तेरे चेहरे पे रहे इस तरह, खुशबू फूलों के साथ रहती है जिस तरह। धन्यवाद। टीआर बालू जी संक्षिप्त में। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।